दोस्तों, पीआईबी करंट अफेयर्स के आज के वीडियो में हम 6 अगस्त की इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करेंगे। आपसे हमने कल बता दिया था कि कल हम लोग बैकलॉग में जाकर सबसे पहले 1 अगस्त तक आएंगे और उसके बाद हम लोग उसको कवर करते हुए प्रेजेंट डे पर आएंगे और फिर डेली पीआईबी न्यूज आपको मिलेगी। तो हम पुरानी चीजों को पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 6 अगस्त के बारे में आज बात करने वाले हैं। 6 अगस्त में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, और कल के वीडियो में शायद 2 फैक्ट्स गलत हो गए थे जिनके बारे में पिंड कमेंट्स में जानकारी दे दी गई थी, तो आप उसमें देख लेना। और सभी से बहुत बहुत माफी चाहेंगे जिनको असुविधा हुई हो, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी फैक्ट आपको गलत नहीं बताया जाए। तो शुरुआत कर लेते हैं हम, और कुछ लोगों ने बोला था कि सबसे पहले ये बता दिया करें कि पीआईबी में क्या क्या था और क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या वहां पर हमको छोड़ना है। तो आपको बता दे रहे हैं कि 6 अगस्त में ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, मैंने वही ली है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से सबसे पहले अपडेट है कि प्रधानमंत्री कोविंद जी ने तिरुवनंतपुरम केरल में लोकतंत्र के त्यौहार कार्यक्रम का उद्घाटन किया, इसके बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से अपडेट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कि कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय प्राधिकरण का विधानसभा चुनाव होगा। ये उपचुनाव है क्योंकि वहां पर जो ये बीजापुर क्षेत्र है यहाँ पर इनके विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये सीट खाली रह गई है और 2022 तक कार्यकाल रहना है इस विधानसभा का, इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। कार्यक्रम वगैरह की जानकारी दी गई है, बस इतना आप इसके बारे में जानने और कुछ फैक्ट्स आपको बताने चाहिए। हमेशा निर्वाचन आयोग की संरचना है 324 नंबर आर्टिकल में, ठीक है, अनुच्छेद 324 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के इस समय हमारे हेड हैं ओपी रावत, ओम प्रकाश रावत इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और ये कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं, 6 साल के लिए या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बस इतना यहाँ पर खत्म होता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट है, लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कुछ फैक्ट्स हमको बताए हैं, उन फैक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर जीएम के बारे में बताया गया है। जीएम के बारे में मैंने कल आपको डिटेल में बताया था जब हम लोग 7 अगस्त और 8 अगस्त के पीआईबी न्यूज को देख रहे थे हम लोग, तो हमने आपको जीएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में डिटेल में आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर कामकाज होता है, खरीदारी सरकार के निकाय करते हैं, किनसे करते हैं, रजिस्टर्ड वहां पर एमएसएमई से और सारे ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ के हिस्से होते हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 2 सालों में 10,000 करोड़ का व्यापार किया है, ये इंपॉर्टेंट है। 25,000 से भी ज्यादा राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के निकाय इससे खरीदारी करते हैं, और लगातार प्रशिक्षण भी दिया जाता है बायर्स और सेलर्स को, और एमएसएमई को प्रमोट करने का भी कार्य कर रही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में ये सब चीजें जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 8 बैंक भी इससे जुड़े हुए हैं जिससे पेमेंट वगैरह का कामकाज देखा जा सके। तो काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे। स्टार्टअप इंडिया का एकेडमिक गठबंधन कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताएंगे हम। और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से अपडेट है यहाँ पर कि मौसम परियोजना के तहत इतने रुपए जारी हुए हैं। मौसम परियोजना है क्या, कैसे यहाँ पर कार्य करती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी नोडल एजेंसी वगैरह क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपडेट है 1-2, उनके बारे में बात करेंगे। ये वाली अपडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैत्री के नाम से यहाँ पर युद्ध अभ्यास भारत ने शुरू किया था 6 अगस्त से, जो कि 19 तक चलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से अपडेट है कि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन दवा के संबंध में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं राज्यों को, उनके बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट वाली चीजें। गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर अपडेट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, इसको स्किप कर देंगे। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की तरफ से अपडेट है कि श्री हरदीप पुरी जो कि इसके राज्य मंत्री हैं इस मंत्रालय के, यहाँ पर इन्होंने हल्का नाम की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया, उसका पोस्टर लॉन्च किया और उसके म्यूजिक को यहाँ पर लॉन्च करने का काम किया। तो हल्का फिल्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ODF से कैसे संबंधित है, इस बारे में बात करेंगे। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। वैसे यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमको नहीं जाननी है, जो भी डेटा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और नीति आयोग की तरफ से यहाँ पर वस्तुओं की रिसाइकलिंग, मटेरियल रिसाइकलिंग पर एक कह सकते हैं सम्मिट हुई थी, एक कंक्लेव हुई थी, कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी। बस इतना आपको ध्यान रखना है फैक्ट कि मटेरियल रिसाइकलिंग पर यानी वस्तुओं की रिसाइकलिंग पर यहाँ पर अपडेट थी पीआईबी की तरफ से, ये कहां पर सबमिट हुई थी, कंक्लेव कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में। यहां पर नीति आयोग के अधिकारियों ने, श्री अमिताभ कांत ने सीईओ हैं जो, और राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरपर्सन हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहां पर पूरे दिन मीटिंग की थी कि कैसे हम लोग मटेरियल रिसाइकलिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं जो कि अंत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने में हमारी मदद करेगा, और कैसे यहाँ पर रोजगार
के अवसर बढ़ेंगे अगर मटेरियल रिसाइकलिंग को इंडिया में प्रमोट किया जाए। मटेरियल रिसाइकलिंग इंडिया में उतनी ज़्यादा अभी भी पॉपुलर नहीं है, चाहे कोई जितना भी ये बात बोले, अभी भी मटेरियल रिसाइकलिंग के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और ना ही इस पर कोई करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ना ही इसमें कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो कि बहुत नोटेबल हो। अभी एसोचैम की रिपोर्ट आई थी जून में, उसमें बताया गया था कि भारत पांचवें नंबर पर आता है सारी दुनिया के ई वेस्ट प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, तो पांचवें नंबर पर भारत का स्थान है ई वेस्ट प्रोड्यूसर्स में। ई वेस्ट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है भारत में, क्योंकि मटेरियल रिसाइकलिंग के यहाँ पर साधन मौजूद नहीं है, यही कारण है। तो इस पर बात की गई थी, बस यहीं तक हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना कि वस्तुओं की रिसाइकलिंग मटेरियल रिसाइकलिंग पर कनकेव किस सिटी में हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब लोग देख लेते हैं यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से अपडेट है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आदर्श दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, ये बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में, अभी इस पर खाली चर्चा की गई है, ना ही राज्यसभा से पारित हुआ है और ना ही ये एक्ट बना है, तो इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्स में काफी संभावना होती है कि बार बार इनमें संशोधन होता है, जब तक ये एक्ट बनते हैं तो काफी सारी चीजें हमको बाद में रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है फिर से अपने माइंड में, तो इसको स्किप कर दे रहे हैं, जब ये आएगा अस्तित्व में तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ईपीएफओ ने क्या किया है, 117 जिला कार्यालयों के बारे में बताया है कि ईपीएफओ के लिए यहाँ पर 117 जिलों में इसके कह सकते हैं सेंटर्स अवेलेबल हैं, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ से संपर्क किया जा सकता है, ठीक है, बस इतना बताया गया था, इतना आप ध्यान रखें इस मंत्रालय के बारे में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसके बारे में बात करेंगे डीप में, श्री नितिन गडकरी यहाँ पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बहुत सारे अन्य मंत्रालयों जैसे यहाँ पर गंगा सुधार, गंगा संरक्षण, इसके भी यहाँ पर हेड हैं। तो इस समय इन्होंने क्या किया है, 6 अगस्त को यहाँ पर भूमि राशि और पीएफएमएस पोर्टल को यहाँ पर लिंक करने का काम किया, और बोलीदाता सूचना प्रणाली यानी कि बिडर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम के पोर्टल को भी शुरू किया यहाँ पर। और इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है, भूमि राशि को यहाँ पर पीएफएमएस से लिंक क्यों किया गया है, इसके बारे में डीप में बात करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ पर बिल पारित हो चुका है संसद में, इसके बारे में भी देखेंगे एक दो चीजें। राष्ट्रपति सचिवालय वाली अपडेट को देखते हैं यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने तिरुवनंतपुरम केरल में लोकतंत्र का त्योहार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये किस अवसर पर ये त्योहार मना रहे थे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायमंड जुबली मना रहे थे, डायमंड जुबली यहाँ पर किसकी मना रहे थे, केरल विधानसभा की, ठीक है, केरल विधानसभा ने अपने 75 वर्ष पूरे किए, ठीक है, इससे यहाँ पर ये त्योहार मना रहे थे। और यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने एक भाषण भी पढ़ा है, उसकी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि केरल का जो सामाजिक संरचना है, केरल का जो सोशल फ्रेमवर्क है, ये बहुत पहले से सेंचुरीज से यहाँ पर काफी डाइवर्स रहा है और यहाँ पर काफी सारा यहाँ पर संवाद होता रहा इसके बारे में, और रेगुलरली यहाँ पर डिबेट होती रही है कि क्या यहाँ पर मत होना चाहिए, क्या यहाँ पर ओपिनियन होना चाहिए, सिंगल ओपिनियन यहाँ पर बनाना बेहद मुश्किल है इन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है। और ये भी इन्होंने बताया कि डाइवर्सिटी होने के कारण, ठीक है, सामाजिक संरचना में अगर विविधता है तो जाहिर सी बात है विभिन्न मतों के लोग होंगे, विभिन्न धर्मों के लोग होंगे और विभिन्न समुदायों से लोग यहाँ पर बिलोंग करेंगे, और विभिन्न धर्मों समुदायों से आने वाले लोगों का मत भी अलग अलग होगा, और बिल्कुल ये कोई बुरी बात नहीं है, मत अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहस होगी, जो भी डिबेट होगी, वो एक सकारात्मक दृष्टि से होनी चाहिए, सकारात्मक उसका कह सकते हैं सकारात्मक परिणाम होना चाहिए, परस्पर मेल मिलाप की संस्कृति को डेवलप करना चाहिए। ये अलग बात है कि आप किस समुदाय से आते हैं उसके हिसाब से आपका मत अपना अलग हो सकता है, जो कि अच्छी बात है, हर पर्सन का अपना ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन उस ओपिनियन का यहाँ पर परिणाम ये होना चाहिए कि हम हमेशा सकारात्मक बात करेंगे, मेल मिलाप की बात करेंगे और कह सकते हैं डेवलपमेंट की बात करेंगे, ना कि विनाश की। बस यहां पर ये बात की गई थी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे यही है कि यहां पर हम लोग डायमंड जुबली मना रहे थे केरल विधानसभा की, तो यहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसको लोकतंत्र का त्योहार कहा गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। निर्वाचन आयोग वाली हमने आपको अपडेट बता दी है, यहां के जो विधायक थे यहां बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में श्री बसंत गौड़ा, इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था अपना, तो विधानसभा क्षेत्र की कार्यावधि 5 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही, तो यहाँ पर एक उपचुनाव करवाना जरूरी था, तो उपचुनाव की डेट्स वगैरह बताई गई। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कर्नाटक में भी एक है और एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को छत्तीसगढ़ वाले को कर्नाटक से आप लोग कन्फ्यूज नहीं करना, छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से हमारे पीएम मोदी जी ने आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत की थी, ठीक है, ये ध्यान रखें, कहाँ से, बीजापुर से।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसकी तरफ से हमने आपको बताया था कि राधा मोहन सिंह जो इस समय यहाँ के हेड हैं, इन्होंने लोकसभा में चर्चा के दौरान कुछ चीजें बताई हमको, कुछ डेटा यहाँ पर बताया है। उनके अनुसार एनडीए की सरकार ने यहाँ पर जो रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट आई थी किसके द्वारा, राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 2004 में, ठीक है, 2004 में गठित किया गया इसको। 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके हेड थे एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी को हम लोग जानते हैं, भारत में कृषि कह सकते हैं हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉग हैं जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जिनको हम लोग कहते हैं, भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये यहाँ के हेड थे किसके, राष्ट्रीय किसान आयोग के। इन्होंने चार बार रिपोर्ट अपने प्रस्तुत की जिसमें कई सारे फैक्टर्स के बारे में बात की गई जिससे किसानों का फायदा हो सके, किसानों के हित में बात की गई कि कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, कैसे उनकी इनकम को बढ़ाएंगे और कैसे यहाँ पर किसानों में प्रतिस्पर्धा का भाव लाया जा सकता है जिससे कुल मिलाकर सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो कृषि के क्षेत्र में और टोटली इंडिया में। तो इस पर रिपोर्ट जारी की गई थी 2006 में। और राधा मोहन सिंह जी बताते हैं यहाँ पर अपने अनुभवों के आधार पर कि सबसे ज्यादा काम 2006 वाली रिपोर्ट में एनडीए की सरकार ने किया है। जब तक एनडीए सरकार अस्तित्व में नहीं थी इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। अब ये उनके अपने विचार हैं या फिर उनकी रिसर्च है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। जो डेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो यहाँ पर राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में है कि इसका गठन हुआ था कब, 2004 में। इसके हेड हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, और ये कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। भारत रत्न को छोड़कर इनको सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मभूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण सारे इनको मिल चुके हैं। ये इसके हेड थे 2006 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस पर कार्य हुए या नहीं इसके बारे में हमको नहीं जानना है क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद हैं, ठीक है, इतना आप ध्यान रखें इसमें। और सरकार काम कर रही है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में। और इस संदर्भ में क्या हुआ है कि अभी हाल में खरीफ 2018, ठीक है, खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगभग 200% बढ़ाने का काम किया है प्रेजेंट बीजेपी की सरकार ने, ठीक है। मोटे अनाज पर 150% करीब बढ़ाएंगे लागत मूल्य के आधार पर, लागत मूल्य से कम 150% बढ़ाएंगे मोटे अनाज में, ठीक है, और 200% बढ़ाएंगे यहाँ पर मेन स्ट्रीम वाले अनाज में। तो कह सकते हैं यहाँ पर अच्छा काम तो कर रही है सरकार, लेकिन ये कैसे क्या होगा इसका अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अभी खाली घोषणा हुई है कि लागत मूल्य पर कम से 200% हमको उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बताया था कि अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, ठीक है, MSP उत्पादन लागत की कम से कम 150% होगी मोटे अनाजों के लिए और MSP होगी 150 से 200% के बीच अन्य अनाजों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया का अकेडमिक गठबंधन कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और बहुत सारी इसमें चीजें हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया और यहाँ पर अकेडमिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पर गहरा संबंध है जिसके बारे में मोदी जी हर भाषण में अपने बात करते हैं। अभी उन्होंने कह सकते हैं IIT बॉम्बे को विजिट किया, वहां पर भी उन्होंने यही बात की थी कि स्टार्टअप को जरूरत है यहाँ पर अकेडमिक्स की। स्टार्टअप और अकेडमिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू आप मान सकते हैं। स्टार्टअप और अकेडमिक्स जितना एक दूसरे के साथ आएंगे उतना ही यहाँ पर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत अच्छा काम होगा अगर ये दोनों साथ आते हैं। कैसे आएंगे देखिए, यहाँ पर उद्योग एक होता है और दूसरा होता है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यहाँ पर एकेडमिक से संबंधित है। यहाँ पर जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज होते हैं हमारे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ITs होते हैं, जिसमें हमको यहाँ पर एकेडमिक यहाँ पर ज्ञान मिलता है किसके संदर्भ में, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो भारत में होता आ रहा है कि आपने टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया और फिर आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करने लगे और फिर उसी के बारे में आप पढ़ाने लगे, सिंपल। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रमोट कर रही है सरकार कि कैसे यहाँ पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो टेक्नोलॉजी का अपना यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर सहयोग देंगे स्टार्टअप्स को, जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी यहाँ पर एस्पायरिंग स्टार्टअप्स हैं, जो किसके क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं लेकिन उनको पर्याप्त नॉलेज नहीं है। जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की नॉलेज यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधानों को किसी भी स्टार्टअप से ज्यादा होगी। भले ही स्टार्टअप का आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर यहाँ पर एकेडमिक नॉलेज की कमी है तो बहुत संभावना है कि स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाएगी या तो स्टार्टअप को ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये संपर्क सिद्ध करने का काम करेगी स्टार्टअप इंडिया अकेडमिक गठबंधन, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्टार्टअप परितंत्र के हितधारकों के बीच टिकाऊ संपर्क सृजित करना लक्ष्य है और यहाँ पर तृतीय स्तंभ को क्रियान्वित करना जिससे स्टार्टअप
के लिए यहाँ पर काम किया जा सके। एकेडमिक्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्टार्टअप्स को अपना सहयोग देंगे, वो भी फ्री में। मैं बिना कुछ कॉम्प्लिकेट किए अगर सिंपल लाइन में आपको समझाऊं तो एक तरफ इंडस्ट्री है यानी कि हमारे उद्योग स्टार्टअप्स वगैरह, एक तरफ एकेडमिक टेक्नोलॉजी है जो हमको मिलेगी वैज्ञानिक अनुसंधानों से, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से, IITs से। तो यहाँ पर इन दोनों को ब्रिज करने का काम करेगा स्टार्टअप इंडिया एकेडमिक गठबंधन, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को यानी कि जो एस्पायरिंग स्टार्टअप्स हैं उनको एकेडमिक टेक्नोलॉजी से अवगत कराएगा, एकेडमिक टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाएगा चीजें कि कैसे एकेडमिक नॉलेज को वो लोग अपने स्टार्टअप को ग्रो करने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में ला सकते हैं काम में और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे नहीं होगा कि फ्री में सारे स्टार्टअप्स को मिल जाएगा, हमेशा की तरह यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होगी। स्टार्टअप एकेडमिक गठबंधन जो है इसके लिए स्टार्टअप इंडिया हब के जरिए स्टार्टअप्स को क्या करना था, एस्पायरिंग स्टार्टअप्स को आवेदन करना था, अप्लाई करना था। अप्लाई करने के बाद उनकी क्षमता को देखा जाएगा, उनके आइडिया को परखा जाएगा कि उनका आइडिया सही बात प्रोडक्टिव है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर चयन होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर 133 आवेदन संबंधित स्टार्टअप्स ने भेजे थे स्टार्टअप इंडिया हब के माध्यम से, जिनमें 43 का चयन किया गया है और इन सभी को यहाँ पर परिचालन संबंधी क्षेत्रों में तकनीकी प्रासंगिकता से अवगत कराएंगे और आइडिया देखा गया स्टार्टअप्स का कि उनको टेक्नोलॉजी देने का कुछ लाभ भी मिलेगा या फिर नहीं। देखिए, स्टार्टअप्स हो या फिर कोई और भी चीज हो, आप एक जनरल कोई चीज ले लीजिए, अगर किसी की मशरूमिंग हो रही है यानी कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो बहुत संभावना है कि सारे स्टार्टअप्स अच्छा काम नहीं कर सकते। जितने भी चीजें हो रही हैं अगर वो भीड़ के रूप में आ रही हैं तो बहुत संभावना है कि उनमें से छंटे छटाए लोग ही काबिल होंगे जिनके ऊपर कह सकते हैं खर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया अकेडमिक गठबंधन में भी यही बात है कि जितने स्टार्टअप्स यहाँ पर लायक हैं जो परिचालन संबंधी क्षेत्रों और तकनीकी प्रासंगिकता से कह सकते हैं रूल किए जा सकते हैं उन्हीं को चयन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसके तहत उन स्टार्टअप का पता लगाने पर विशेष जोर दिया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों की गंभीर समस्याएं सुलझाने और उसके लिए इनोवेटिव समाधानों का पता लगाने में काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्टार्टअप जिनके पास कुछ इस तरह का आइडिया है जो लोक कल्याण के क्षेत्र में काम आ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टार्टअप ऐसे आइडिया के साथ आता है कि हम बहुत ही कम पेट्रोल से कोई व्हीकल चला सकते हैं, बहुत अच्छी माइलेज दे सकते हैं, या फिर हम किसी पेट्रोल के अल्टरनेटिव से व्हीकल को चला सकते हैं जिससे यहाँ पर इको फ्रेंडली चीजें हो, यहाँ पर इन्वायरमेंट के नुकसान को कम किया जा सके। ऐसा कोई आइडिया लेकर के आता है कोई स्टार्टअप तो उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, उनको इस क्षेत्र में ज्यादा सहयोग मिलेगा अकेडमिक इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिससे वो अपनी स्किल को डेवलप कर सके, जो आइडिया के साथ वो आए हैं उसको अच्छे से यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर सके। ठीक है, इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये महीने दो महीने से चर्चा का विषय बना रहा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के दुष्परिणामों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि जब से इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे लोगों ने, ऐसे कह सकते हैं जानवर वालों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है अपने जानवरों पर, जिससे वो लोग ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकें और उसके लिए उन्होंने अपने जानवरों पर अंधाधुंध ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऑक्सीटोसिन का अत्यधिक प्रयोग किए जाने से वो अपनी फर्टिलिटी को खोने लगे और उनकी जानें भी जाने लगी। तो इस संदर्भ में ऑक्सीटोसिन दवा के सबसे पहले तो इंपोर्ट पर बैन लगाया गया था एक दो महीने पहले, चीज काफी न्यूज में थी, और अब यहाँ पर पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में इसके उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और इसके रिटेल सेल पर, ठीक है, इसके खुदरा बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का काम कर रही सरकार। ठीक है, तो इस संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अलग अलग राज्यों से और यूटीज से, उनको बताया गया कि कैसे यहाँ पर हमको जो प्रतिबंध लगाना है सार्वजनिक क्षेत्र में ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन और उसकी सेल्स पर 1 सितंबर 2017 से, उसके संदर्भ में क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही कही कि जो स्टॉक यहाँ पर अभी मौजूद है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का काम करें सारे हॉस्पिटल्स वगैरह, और ठीक है जैसे ही खत्म कर लेंगे तो फिर प्रोडक्शन किसी को करने नहीं देंगे प्राइवेट क्षेत्र में। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यानी कि KAPL इसका रोल रहने वाला है काफी ज्यादा। KAPL क्या करेगा, दो चीज है। सबसे पहली चीज तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, ठीक है,
निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जिनको सही बात ऑक्सीटोसिन की जरूरत है, जो सही बात ऑक्सीटोसिन का क्षेत्र प्रयोग उस क्षेत्र में करेंगे जिसमें वाकई जरूरत है। ठीक है, इसको कॉमर्शियल यूज के लिए, इसको कह सकते हैं अशिक्षित दूध वालों के लिए, किसानों के लिए, उनकी क्रॉप को बढ़ाने के लिए, उनके मिल्क को बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल करने देंगे। ठीक है, तो केपीएल क्या करने वाला है, आपूर्ति करेगा आपसे, आपसे किसी भी अन्य फर्म से, अस्पताल चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, ऑक्सीटोसिन नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे सिर्फ केएपीएल से। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया केएपीएल का। दूसरा काम केएपीएल का ये है कि जितना स्टॉक जरूरी होगा एक समय पर, उतना ही ऑर्डर लेगा ही केएपीएल, उतनी ही आपूर्ति करेगा, स्टॉक करके कुल मिला के नहीं रखना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बाजार में तभी आएगा रिटेल में जब इसकी उपलब्धता ज्यादा होगी। अगर उतना ही देंगे अस्पतालों को जितनी जरूरत है, तो फिर ये बाहर जाएगा ही नहीं मार्केट में, ब्लैक इसका होगा ही नहीं। ठीक है, तो दो काम यहाँ पर केएपीएल करने वाला है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, और जहां पर जरूरत है उसके लिए बिल्कुल ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, यानी कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके मरीजों को इस दवा को दिए जाने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कुछ कंपनीज यहाँ पर, कुछ इंडिविजुअल्स मान लीजिए यहाँ पर, कुछ स्टार्टअप्स यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, वो अब क्या करेंगे, उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो इस संदर्भ में ये कहा गया है कि ऑक्सीटोसिन के निजी उत्पादक जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, लेकिन उन्हें अब भारत में रिटेल मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, रिटेल मार्केट में पहली बात तो बिकना ही नहीं है। मान लीजिए किसी अस्पताल को जरूरत है, किसी डॉक्टर को जरूरत है, तो वो केएपीएल से मंगवाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर पूरी बात है ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन को पूरी तरह से बैन करने का काम अब कर दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि बैन तो कर रहे हैं लेकिन जहां जहां पर जरूरत है ऑक्सीटोसिन पूरी तरह से उपलब्ध होना चाहिए सारे सरकारी अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, जहां जहां पर ऑक्सीटोसिन जरूरत है वो कम नहीं पड़ना चाहिए, और ना इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो बाहर आकर ब्लैक में बिकने लगे और उसका गलत इस्तेमाल होने लगे। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की तरफ से अपडेट है, श्री हरदीप पुरी इस समय इसके राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हल्का नाम की फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया, इसके म्यूजिक को लॉन्च किया, इसके पोस्टर को भी लॉन्च किया। हल्का फिल्म को सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है, जाहिर सी बात है कि इनका कुछ फायदा होगा, ओडीएफ से संबंधित है, ओपन डिफिकेशन फ्री करने का लक्ष्य भारत को कब तक है, 2019 2 अक्टूबर जब हम मना रहे होंगे महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी, तो यहाँ पर पूरे भारत को ओपन डिफिकेशन फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो लगातार इसको सपोर्ट करने का काम भारत कर रही है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण करवाए जा रहे हैं लगातार, हर स्टेट कोशिश कर रहा है कि वो ओडीएफ फ्री हो जाए और इस लिस्ट में आ जाए, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो इसमें हल्का नाम की फिल्म इस बीच रिलीज हुई है जो कि ओडीएफ से संबंधित है, इसकी कहानी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करती है। स्वच्छ भारत मिशन SBM आप ध्यान रखें, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर हल्का नाम के फिल्म की ट्रेलर को लॉन्च किया गया, इसके संगीत को लॉन्च किया गया और पोस्टर को लॉन्च किया गया। हल्का नाम की फिल्म के बारे में हमने आपको थोड़ी अपडेट दी थी, मई में भी ये चर्चा में आई थी, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने काफी सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल बाल फिल्म महोत्सव में इसको अवार्ड मिला, पोलैंड में बाल और युवा फिल्म महोत्सव में इसको पुरस्कार मिला, और इसके निर्देशक हैं नील माधव पांडा। ये पहले भी पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट से संबंधित फिल्म बना चुके हैं, जैसे कड़वी हवा, ठीक है, ये भी चर्चा में रही थी। और ध्यान रखें आप, हल्का को यू सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, किसी फिल्म को अगर यू सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब है कि हर एज ग्रुप के बच्चे से लेकर बड़े उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को यू ए मिलता है, जो जनरली दिया जाता है नॉर्मल फिल्म को, यू ए का मतलब है यूनिवर्सल स्लैश एडल्ट, यानी कि सभी लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसको अपने माता पिता या फिर कह सकते हैं अभिभावकों के देखरेख में देखेंगे। ठीक है, और अडल्ट फिल्म आपको पता है। ठीक है, और बाकी हल्का नाम की फिल्म ओडीएफ से कैसे संबंधित है, ये कैसे रिलेट करती है, यहाँ पर स्टोरी लाइन है कि यहाँ पर पिचकू नाम का लड़का है, यहाँ पर 8 वर्ष का है, पिचकू आराम नाम का लड़का है। ठीक है, पिचकू एक्टर है, आराम नाम का लड़का है, यहाँ पर उसको अपने घर में एक टॉयलेट बनवाना है, क्योंकि उसको बाहर डिफिकेट करना अच्छा नहीं लगता है, वो ओपन डिफिकेशन के खिलाफ है, और उसके फादर भी इसका विरोध करते हैं। काफी सारी वो मुश्किलों का सामना करते हुए फिल्म के अंत में अपने लिए एक टॉयलेट बनवाने में सफल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार वो स्लम समुदाय का हीरो बनकर उभरता है, ये यहाँ पर बात है कुल मिलाकर। तो डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं कि ODF को प्रमोट करने वाली फिल्म है, इस वजह से सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, यहाँ पर पोर्टल शुरू किए गए हैं। पहली बात तो बोलीदाता सूचना प्रणाली, ठीक है, बिडर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, BIS, इसको आप ध्यान रखें, बिडर्स यानी कि बोलीदाता
सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन और प्रणाली यानी सिस्टम, बिडर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस पोर्टल का नाम है इंग्लिश में, और एक भूमि राशि पोर्टल भी शुरू किया गया है, ठीक है, जिसमें राजस्व संबंधी पूरा डेटा है सारे गांवों का, भारत के जितने भी गांव है यहां पर उसका डेटा है, 6,40,000 गांवों का राजस्व संबंधी डेटा है। इसको PFMS से लिंक कर दिया है, क्योंकि यह अभी हम देखेंगे, और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अब हर वर्ष ये मंत्रालय पुरस्कार भी देगा, यानी कि जो भी ठेकेदार दिए गए कार्य को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे उनका डिजाइन काफी अच्छा होगा। कुल मिलाकर 5 फैक्टर्स पर आधारित है, 5 कैटेगरीज में ठेकेदारों को अवार्ड्स मिलेंगे। मान लीजिए किसी ठेकेदार ने समय से पहले ही अपना काम कर लिया, मान लीजिए किसी ठेकेदार का डिजाइन बहुत पसंद आया, तो इन सभी को अवार्ड्स मिलेंगे। अवार्ड्स कब मिलेंगे? 25 दिसंबर 2018 को, ठीक है। यहाँ पर हम सुशासन दिवस जिस दिन मनाते हैं, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे, इस मौके पर जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ठेकेदार हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको पुरस्कार मिलेगा। सबसे पहले BIS के बारे में बात करेंगे, बिडर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले जो बिडर्स हैं, मान लीजिए कोई नया ठेकेदार मार्केट में है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे बिड मिलती है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे राशि जमा करते हैं, और फिर कैसे काम करके सरकार को देना होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे काम करती है, सारी जानकारी बिडर को मिल जाएगी इससे, ठीक है, और वो कितना योग्य है बिड देने के लिए इसके बारे में भी उसको जानकारी मिल जाएगी। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने बनाया है, ठीक है, और इसको NIC की मदद से बनाया है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने इसको बनाया है, ठीक है। इस पोर्टल में 6,40,000 गांव हैं जितने भी भारत के, उसकी भूमि का राजस्व आंकड़ा सारा डेटा वहां पर दिया है। इससे फायदा क्या होगा? देखो, आपको पता है कि जब भी कोई हाईवे बनता है तो बहुत सारी वहां पर लैंड यूज होती है, क्योंकि जमीन पर ही तो बनता है हाईवे, और जब हाईवे बनता है वहां पर तो काफी सारी भूमि पड़ी होती है जो किसी किसान की होती है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की होती है, और जब ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा होता है तो उस भूमि को अधिग्रहित करना जरूरी होता है, किसके द्वारा? सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है कि जब ऐसी भूमियों का अधिग्रहण होता है तो काफी यहाँ पर प्रोसेस में टाइम लग जाता है, तो हाईवे बनने में काफी सारा समय तो इसी में चला जाता है, भूमि का अधिग्रहण करने में ही, ठीक है। तो भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अब सरल हो सकेगा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल हो सकेगी, जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, चाहे किसानों की चाहे इंडिविजुअल्स की, उनको उनके अकाउंट में पैसा आसानी से पहुंचाया जा सके, उनको भी ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़े सरकार से पैसा लेने के लिए। तो जब यहाँ पर भूमि अधिग्रहण हो जाएगा तो काम आसानी से चालू हो सकता है। भूमि राशि पोर्टल को यहाँ पर लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS से यहाँ पर लिंक कर दिया है। वो क्यों किया है? जिससे जब भूमि अधिग्रहण होगा उसके दौरान जो मुआवजा राशि, ठीक है, मुआवजा देते हैं कि हम आपकी भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं हाईवे बनवाने के लिए, तो आपको अपनी लैंड देने के एवज में कुछ धनराशि मिलेगी, तो उसका भुगतान लाभार्थियों को आसानी से किया जा सके। अभी प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसको सरल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यहाँ पर दो पोर्टल का नाम आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर BIS यानी कि बिडर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पर भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल संबंधित है भूमि अधिग्रहण से, भूमि अधिग्रहित करने पर लाभार्थियों को जल्द पैसा दिलाने संबंधित है, और BIS आप जानते हैं बिडर्स संबंधित है, हमने आपको बताया, बोलीदाता को जानकारी मिल सके कि कैसे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंटर कर सकेगा, ठीक है। और यहाँ पर भूमि राशि पोर्टल को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS से भी जोड़ दिया गया है। ये सब चीजें बस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इससे। और हमने आपको शुरू में बता दिया है कि जो बिडर्स होंगे, जो ठेकेदार होंगे, जल्दी से अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके दे देंगे सरकार को, तो उनको सरकार सम्मानित करेगी। राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे के दिन इनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, यहाँ पर इसका बिल पारित हो चुका है, इसके बारे में हमने को बताया था, लोकसभा से पारित हो गया था, फिर राज्यसभा से भी हो गया। जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित हो जाता है तो हम लोग इसको संसद से पारित मान लेते हैं। अब एक ही काम इसमें रह गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है इस पर अपना असेंट दे दें, तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है हमारा बिल। ये बिल कौन से नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटे से छोटे बड़े से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। 123वां अमेंडमेंट बिल है ये, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, बस इसका एक्ट बनना बाकी है, ठीक है। तो अमेंडमेंट बिल 123वां है, 122वां हमारा GST का था जो कि एक्ट बन चुका है, अब ये आखिरी हमारा बिल है, ठीक है। और बल्कि बहुत सारे यहाँ पर विधेयक पारित किए गए मानसून सेशन में, मगर ये अभी तक एक्ट नहीं बन पाए हैं, मतलब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित नहीं हो पाए हैं, ठीक है। 123वां ये संशोधन विधेयक है और इसमें बहुत सारी चीजें दी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कुल मिलाकर एक संवैधानिक दर्जा देने संबंधित है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, ये सब चीजें आप इसमें ध्यान रख सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर इंडो थाईलैंड ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में, जिसको हम लोग मैत्री के नाम से जानते हैं। मैत्री नाम से भारत एक्सरसाइज करता है थाईलैंड के साथ, ठीक है, और थाईलैंड के साथ भारत एक्सरसाइज इस बार करेगा थाईलैंड में ही, ठीक है। आपसे आजकल ये भी पूछे जाने लगा है कि मैत्री कहां पर हुई, ठीक है, दो देश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं दो देशों में से जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें से एक में होगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडो थाईलैंड ज्वाइंट एक्सरसाइज मैत्री 2018 कहां पर हुई, इंडिया में हुई कि थाईलैंड में हुई, तो ये थाईलैंड में हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। और 6 से 19 अगस्त तक ये चलने वाली है। और आप अन्य एक्सरसाइज का भी नाम ध्यान रख सकते हैं, जैसे एक्वेरियन के नाम से भारत युद्ध अभ्यास करता है, मालदीव्स के नाम से, मित्र शक्ति के नाम से भारत एक्सरसाइज करता है, श्रीलंका के नाम से सॉरी मतलब श्रीलंका के साथ भारत एक्सरसाइज करता है, मित्र शक्ति के नाम से, और संप्रति नाम से भारत एक्सरसाइज करता है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ करता है। अपने पड़ोसियों के साथ जो भारत एक्सरसाइज करता है वो आप जरूर से जरूर ध्यान रखें यहाँ पर। नेपाल के साथ भारत सूर्य किरण नाम से आर्मी के एक्सरसाइज करता है, ठीक है, चाइना के साथ हैंड इन हैंड और सीनो इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज के नाम से करता है, और यहाँ पर खंजर के नाम से भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज करता है, आप हमको कमेंट्स में लिख करके बताइए, ठीक है, कमेंट्स में लिख करके बताइए जल्दी से कि खंजर के नाम से भारत किस देश के साथ युद्ध अभ्यास करता है, ठीक है। हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा है। मैंने अपनी समझ के हिसाब से कोई भी फैक्ट यहाँ पर गलत नहीं बताया है, बाकी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आप इसमें काफी बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो आप अन्य किसी के वीडियो में नहीं सीख पाते हैं, और बाकी हम लोग जैसे ही बैकलॉग को कवर करेंगे हम लोग प्रेजेंट डेट पर आएंगे तो आपको और भी यहाँ पर मजा आएगा। हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।